हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्यू विद कमल में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टू लेयर फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग का कंप्लीट ट्यूटोरियल। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया है वो 47 इंचेस लॉन्ग है, और इसकी जो विड्थ है, ये जो बड़े अर्ज वाला फैब्रिक होता है ये वो वाला है, इसकी 58 इंच विड्थ है। और सबसे पहले हमें इसी तरह से फोर फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को, और ऊपर से भी हमें जो कपड़े को एक साथ में एक बराबर कर लेना है। और नीचे मैं बॉडी के लिए 13 इंचेस पे मार्क लगा रही हूँ, और इसी मार्क के ऊपर हम इसे कट कर लेंगे फैब्रिक को। और अब हम इसे इसी तरह से खोल लेंगे। ये अभी जो फैब्रिक है ये डबल फोल्ड है, और मैं इसमें जो है बैक पीस में मैं बटन वाली पट्टी बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने 1.5 इंच पर मार्क लगाया है जो हम फोल्ड करेंगे। और जितनी हमें विड्थ चाहिए फ्रंट पीस के लिए उसके अकॉर्डिंग अब हम मार्क करेंगे। हमें जो है, मैंने ये पीस जो 18 इंचेस विड्थ वाला कट करना था, तो इसलिए मैंने 9 इंचेस पे मार्क किया है। तो ये हमने बैक पीस की कटिंग कर ली, अब हम फ्रंट पीस की करेंगे। तो मैंने सिंगल करके इसे इस तरह से डबल फोल्ड किया है, और इसे भी हमें 18 इंचेस का कट करना है, तो मैंने 9 इंच पे मार्क लगा के इसी तरह फैब्रिक को सेट कर लिया है। और खुली हुई साइड से हमें इसे कट कर लेंगे, और जो फैब्रिक बचा उसमें हम स्लीव्स कट करेंगे। तो ये है हमारा फ्रंट पीस। तो जो हमने 1.5 इंच की पट्टी छोड़ी थी हमें उसको आगे की तरफ रखना है, और ये इस पीस को जो हमारा फ्रंट पीस है उसे ऊपर रखना है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। जो इसका मैंने शोल्डर की मार्किंग की है वो मैंने 6 इंचेस पे की है, और इसकी जो लेंथ का मार्क मैंने किया है वो मैंने 6.5 इंच पे किया है, क्योंकि ये एक बेबी फ्रॉक है। और बैक पीस की जो है मैंने शेप दी है वो मैंने 1.5 इंच की दी है, और ऊपर जो है मैं 1/2 इंच पे मार्क लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो हम फ्रंट पीस को ही 1/2 इंच कट करेंगे, इसे हमारा जो नेक है वो पीछे की तरफ नहीं जाता है। और फ्रंट कर्व के लिए मैंने 1.5 इंच पे मार्क लगाया है, और मैंने 2 पॉइंट की ही शेप दी है इसमें, मैंने ज़्यादा डीप शेप नहीं दी है। और अभी जो हम नीचे से कट करेंगे तो मैंने 4 इंच पे मार्क लगा के, और खुली हुई साइड से 1 इंच पे मार्क लगा के इसी तरह से हमें शेप ड्रॉ कर देनी है, और हम इसे इसी शेप में कट कर देंगे। और इसमें हम दोनों पीसेज में जो है प्लेट्स भी देंगे, तो मैंने 3 इंच पे मार्क किया है, और इसकी मैंने लेंथ भी 3 इंच ही रखी है। और इसी तरह इसे जैसे हम वी शेप ड्रॉ कर देंगे जो हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे जो स्टिचिंग करने के टाइम। सो फ्रेंड्स, अभी हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है, तो हमें पहले बैक जो हमने कर्व डाली थी उसे हम कट कर देंगे। ये हमने चारों पीसेज की कट करनी है, और अभी हम इसी तरह से फ्रंट पीस को अलग कर लेना है बैक पीस से। जो हमने फ्रंट कर्व डाली थी हमें वो भी कट कर देनी है, और जो हमने ऊपर 1/2 इंच की शेप दी थी हमें वो भी कट कर देनी है। इससे हमारी जो शर्ट है वो पीछे की तरफ नहीं जाती है, तो हमारी कटिंग कंप्लीट है बॉडी के लिए। तो अभी हम लेयर्स कट करेंगे। तो इसी तरह हमें सेम वैसे ही फोर फोल्ड कर लेना है फैब्रिक, और मैं 11 इंचेस लॉन्ग लेयर लगा रही हूँ। तो इसी तरह हमें 11 इंच पे मार्क लगाने हैं, और लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेना है। और जो हमारी पहली लेयर है वो हमें 29 इंचेस लॉन्ग चाहिए, और ये हमें 2 पीसेस चाहिए। तो हम इसी तरह से इसे सेंटर से कट कर लेंगे। तो एक जो है हमारे फ्रंट पीस के साइड में अटैच होगी, और एक हमारी फ्रॉक के बैक साइड में अटैच होगी। तो अभी जो हम सेकंड लेयर कट करेंगे उसके लिए हमें 11 इंचेस की 2 लेयर्स चाहिए, इससे डबल साइज में हमें कट करनी है। तो इसलिए मैं 2 लेयर्स कट कर रही हूँ। तो ये वाली जो सेकंड लेयर है वो मैंने फर्स्ट लेयर से डबल साइज में कट की है। तो आपको भी इसी तरह से 2 लेयर्स पहले से डबल साइज में कट कर लेनी है। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप 15 या 20 इंचेस एक्स्ट्रा कट करके भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी फ्लेयर अच्छा बनता है। तो ये हम, और जो हमारे पास फैब्रिक बचा था कटिंग करते टाइम हम उसमें से स्लीव्स कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है इसे सेंटर से कट कर लेना है। और जब भी आप कोई प्रिंटेड फैब्रिक यूज़ करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी फैब्रिक का प्रिंट है वो एक साइड में ही हो, वो रॉन्ग साइड में ना हो जाए। तो इसी तरह हमें इसे फोल्ड करना है। तो मैं जो बैक कर्व के लिए मैंने 2.5 इंच पे मार्क लगाया है, तो इसी तरह से हमें शेप ड्रॉ कर देनी है। और फ्रंट कर्व के लिए मैंने 4 इंच पे मार्क लगाया है, और मैंने 1 इंच की ये वाली शेप दी है फ्रंट कर्व के लिए। तो ये हमारी स्लीव की मार्किंग भी हो गई है, तो हम इसी तरह से इसे भी मार्क के ऊपर कट कर लेंगे। पहले हम बैक कर्व कट करेंगे, और फिर स्लीव को इसी तरह से हम खोल के बिछाएंगे, और 2 पीसेस की हमें फ्रंट कर्व कट करनी है। तो
वो भी जो है हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है, तो अब जो है हम इसे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पीस को लेंगे और इसी तरह से जो हमने शेप ड्रॉ की थी उसी शेप में हमें सिलाई लगानी है, और इसी तरह से सिलाई लगाते हुए हमें तिरछा ख़त्म कर देना है और थोड़ा सा हम थ्रेड बढ़ाकर छोड़ेंगे। और सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी जो है ये प्लेट बना लेंगे। तो हमने जो है फ्रंट पीस में प्लेट्स बना ली हैं, सेम ऐसे ही हम बैक पीस में भी बनाएंगे। तो सबसे पहले अब हम इसका नेक लगाएंगे। तो मैंने सेंटर मार्किंग कर ली है नेक को और फ्रंट पीस में, और ये जो मैंने नेक है वो मैंने 3.5 इंच लॉन्ग कट किया है, और इसकी विड्थ जो है मैंने 6 इंचेस रखी है, जो रेडी होने के बाद ये 3 इंचेस रेडी होगा नेक हमारा लॉन्ग। तो इसी तरह से मैंने इसे अटैच कर लिया है, और अब हम इसे नेक के साथ साथ हमें सिलाई लगा देनी है। तो हमें इसी तरह से अटैच करना है नेक को, और अभी हम इसे कट कर देंगे। और मैंने वी शेप में कट भी लगा दिए हैं, और जो हमें कच्चा टंका लगाया था उसे भी हम निकाल देंगे और इसे टर्न कर देंगे बैक साइड नेक को। और हमें इसे भी रफ स्टिच से अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी जो हमारा फ्रंट पीस रेडी हो गया है, तो अब हम बैक पीस को रेडी करेंगे। तो जो हमने 1.5 इंच वाली मार्किंग की थी उसे हमें इसी तरह से मैंने क्रीज बना ली है, और इसी तरह से हमें इसे फोल्ड कर देना है, और इसके एंड पे हमें सिलाई लगानी है। और सेम इसी तरीके से हमें दूसरी वाली साइड में भी पट्टी को रेडी कर लेना है, इसी तरह से फोल्ड करना है हमें। तो हमने दोनों साइड से मैं बटन पट्टी बना ली है, और अब मैं नीचे से इसे 3.5 इंच पे मार्क लगा रही हूँ, और हमें इसे इतना बंद करेंगे। तो मैं एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करूंगी। और जहां तक हमने मार्क लगाया है वैसे हमें इस तरफ की स्ट्रेट लाइन बना देनी है, और इसी तरह से हमें दोनों पीसेस को एक साथ ज्वाइन कर देना है। और अभी हम इस पे नेक बनाएंगे। तो इसी तरह हमें जो है पट्टी को पहले हम पिन से अटैच कर लेंगे, ताकि नेक जो कटिंग करते टाइम इसकी शेप खराब ना हो। और इसी तरह रखते हुए जितना हमें स्टिचिंग मार्जिन चाहिए उसके अकॉर्डिंग में बढ़ा के निशान लगा लेना है। और इसी तरह इसका सेंटर सेट करते हुए अभी हम जो है बॉक्स बना लेंगे नेक के लिए। तो मैं ये जो नेक है वो मैंने 2.5 इंच जो हमारा मार्क है 2.5 इंच पे आया है, तो इसी तरह से हमें 3 इंच वाला नेक में कट कर रही हूँ, और 1 इंच मैंने शेप के लिए मार्किंग की है, और इसी तरह से हमें शेप दे देनी है बैक नेक के लिए, और इसी शेप पे हम इसे कट कर देंगे। तो मैं आपको नेक दिखाती हूँ, इसकी शेप देखिए। आप हमारी शेप प्रॉपर आनी चाहिए, तो आप पहले पिन लगा लें चाहे सुई से, इसे कच्चा कर लें पट्टी को। तो मैंने ये रेव टेप कट कर ली है, मैंने 2 कट की हैं दोनों साइड्स के लिए। और इसी तरह से हमें इसे 1/2 इंच की विड्थ वाली सिलाई लगानी है। और सबसे पहले जो हम वी शेप के कट लगाएंगे इस पे, जो हमारी रेव टेप वाला मार्जिन आया है सिलाई मार्जिन, और जितनी हमें विड्थ रखनी है हमारी ये सिलाई मार्जिन हमारी रेव टेप की तरफ होना चाहिए, और इसे इसी तरह से ऊपर से घुमा के रखनी है हमारे फैब्रिक को, और जितनी हमें विड्थ रेडी करनी है रेव टेप की उसी के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगा देनी है एंड तक। और पट्टी के सिरे पे हमें इसी तरह से फोल्ड करके इसे प्रॉपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारी रेव टेप का है वो हम कट कर देंगे। और इसे हम बनने के बाद ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगी, इस पे हम तरपाई करेंगे। और सेम इसी तरह से हमें दूसरे नेक पे भी जो हमारा बैक पीस है उस पे भी लगा देनी है। तो अभी हम जो प्लेट्स डालेंगे, तो मैं जो हमारी फर्स्ट लेयर है उसको रेडी कर रही हूँ, और 1-1 इंच के डिस्टेंस पे मैं बिल्कुल बारीक बारीक पर्ल डाल रही हूँ। जब भी आप लेयर्स कट करते हैं तो आपको जितने अपनी बॉडी पीस ली है उससे डबल साइज में ले, अगर फैब्रिक कम है तो आप 15 से 20 इंच ज़्यादा भी ले सकती हैं। तो मैंने फर्स्ट लेयर रेडी कर ली है दोनों पीसेस के लिए। तो अभी हम जो है सेकंड लेयर रेडी करेंगे, तो उसे भी हमें सेम साइज में प्लेट्स डालनी है एंड तक। ये प्लेट्स हमें जो है 29 इंचेस रेडी होनी चाहिए जितनी हमने फ्रंट लेयर कट की थी। हम इसे मेज़र भी कर लेंगे हमारी जो हमारी फ्रंट लेयर है फर्स्ट लेयर है उसके साथ। तो
तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इक्वल आई है एंड तक, हमारी जो लेयर अच्छी रेडी हुई है। तो अब हम इसे फ्रंट जो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर है हम दोनों को इसी तरह से अटैच कर लेंगे। मैंने नीचे जो सेकंड लेयर रखी है ऊपर मैंने फर्स्ट लेयर इसके टॉप में अटैच की है, और जो प्लेन फैब्रिक है हमारी फर्स्ट लेयर का उसको हमें जो प्लेटेड फैब्रिक है उसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगानी है। तो जैसे हमने ये वाली लेयर को रेडी किया है इसी तरह से हमने दूसरी जो हमने बैक पीस में लेयर्स अटैच करनी है उसे भी रेडी कर लेना है। और अब मैं इसके ऊपर दबाव वाली सिलाई लगा रही हूँ जिससे ये प्रॉपर फिनिशिंग के साथ जो है हमारी लेयर्स रेडी हों। मैंने जैसे इसमें टू लेयर्स ही दिया, आप ज़्यादा लेयर्स भी दे सकती हैं, अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसे बढ़ा भी सकती हैं। तो मेरे दोनों लेयर्स वाले पीसेज रेडी हैं। तो अब हम जो है इसमें बॉडी को अटैच करेंगे, तो उसके लिए मैंने इसी तरह से बॉडी को लेयर्स वाले फैब्रिक के ऊपर सेट करके रखना है आपको। तो आपको लेयर्स के बल उतने ही डालने हैं जितने अपने अपने बॉडी की विड्थ कट की है, उसी के अकॉर्डिंग हमें बल बनाने हैं। और इसी तरह रखते हुए हमें एंड तक इसे सिलाई लगा देनी है। और सेम वैसे ही इसके ऊपर भी हम जो है एक सिलाई लगाएंगे जिससे हमारे बल दब जाएंगे अच्छे से। और जैसे हमने फ्रंट पीस के ऊपर हमने लेयर्स को अटैच किया वैसे ही हमें सेम बैक जो हमारा फैब्रिक बैक पीस है हमारी फ्रॉक का उस पर भी इसे अटैच कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं हमारी लेयर्स कितनी ब्यूटीफुल रेडी हुई है। ये है हमारा बैक पीस जिसपे हम बटन्स लगाएंगे। तो अभी जो है हमें शोल्डर ज्वाइन करने हैं, तो हमें इसी तरह से दोनों जो है अंदर की तरफ जो दोनों फैब्रिक हैं वो उल्टी साइड है फैब्रिक की, और ऊपर जो हमें दिख रही है वो सीधी साइड है हमारी। तो हमें बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए मैंने सिलाई लगाई है, और इसे इसी तरह से हमें टर्न करना है, और जो रेप टेप है वो हमें नेक के ऊपर की तरफ बढ़ा के रख के हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से ये जो इनविजिबल स्लिप स्टिच हो जाती है हमारे शोल्डर के लिए। और सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे, और मैं फिटिंग की सिलाई भी इस पर लगा दूंगी। तो मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है, और नीचे मैं बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड करूंगी इस तरह से। तो अभी हम इसकी स्लीव रेडी कर लेते हैं। तो हमें जितना हमें फोल्ड करने के लिए हमने मार्जिन कट किया था उतना हमें फोल्ड कर देना है। मैंने एक इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था स्लीव की लेंथ से, तो मैं एक इंच ही फोल्ड कर रही हूँ नीचे से। और जितनी हमें स्लीव रेडी करनी है उसी के अकॉर्डिंग हमें मार्क लगाना है, और शोल्डर हम मेजर कर लेंगे फ्रॉक का जिस तरह से मैंने ये आपको दिखाया है। हमें दोनों पीस बराबर करते हुए मेजर कर लेना है, और जहाँ जितनी लेंथ आ रही है उस पर मार्क लगा के हमें जो है स्लीव की भी फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। और इसे इस तरह से सीधा करेंगे, हमारी फ्रॉक जो है उल्टी है और हमने स्लीव सीधी करके इसी तरह से शोल्डर होल में हमें इसे करना है लगाना है। और फ्रंट सिलाई वाले मार्जिन को हमें बैक पीस की तरफ करना है, और स्लीव का जो सिलाई वाला मार्जिन है वो हमें फ्रंट पीस की तरफ करना है। और इसी तरह से हमें इसे ऑल अराउंड सिलाई लगा देंगे जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और आपको सेम इसी तरीके से दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लेना है फ्रॉक पे। ये बनने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है लेयर्स वाली फ्रॉक, आप जितनी भी लेयर्स चाहें आप उतनी दे सकती हैं। और मैंने एक लॉन्ग गाउन भी बना के पहले वीडियो मैंने डाली हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। वो मैंने 5 लेयर्स वाला गाउन बनाया था जिसमें मैंने 5 मीटर फैब्रिक यूज़ किया था। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और एंड स्क्रीन भी लगा दूंगी। तो हमारी जो है फ्रॉक रेडी है। तो ये है इसकी फाइनल लुक, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हैं तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ, और आप मुझे इसी तरह से सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।